अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब तक हमने देखा मायूरी अपने सबसे पावरफुल बांग का एक्टिवेट करता है और बहुत ही खुश हो जाता है। आगे क्या होगा तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर। अशोक जी से परंग का जस को निगल जाता है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। लेकिन अशोक जी से उसे पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब तक सभी को मायूरी का स्पिरिचुअल प्रेशर्स महसूस हो जाता है और वह सब किंग पैलेस की तरफ दौड़ लगा रहे थे। शिनजी बोलता कि हमें नहीं पता दुश्मन कहां से हमला करेगा, इसलिए हमें बिना रुके आगे बढ़ना है। बारो उन पर टारगेट सेट करता है। शुनजी कहता है कि इतने नुकसान के बाद भी हमें दुश्मन का ठिकाने का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वो दुश्मन का ठिकाना ढूंढ लेता है, लेकिन बारो कहता कि मैं तुमसे बहुत उम्मीद रखी थी। तभी बारो ये देखकर हैरान था कि वो अभी कैसे जिंदा है। वहां शुनजी की लूटनेंट नानो भी आ जाती है। शुनजी उसे यहां से जाने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती, तो शुनजी उनके अलावा सभी को आगे बढ़ने को कहता है, तो नानो वहां से जाती है। खैर शुनजी कहता है कि एक तरीके का गेम है। इस गेम में किसी एक को आंखें बंद करनी होती है। जब गिनती गिनी जाए खेलने वाले शख्स को गिनती खत्म होने के बाद पकड़ना होता है। इस गेम में तीन रूल्स है। पहला, बारी लेने वाला ऐसा जगह में हो जहां से वो सबको दिखे। दूसरा, अगर बारी लेने वाले ने पीछे मुड़कर किसी को हिलते हुए पकड़ लिया तो वो हारे। तीसरा, बारी लेने वाले के पकड़ने से पहले अगर कोई इसे छू लेता है तो वो जीता। वेल बारो समझ जाता कि टारगेट करने वाला उसे दिखाई देता है, तब उसे पकड़ने से पहले टारगेट करने वाले के स्पेशल प्रेशर्स में चढ़ने लगा और जिस पर वो फायर किया था वो बस एक स्पेशल प्रेशर्स का एक क्लोन था, जिसकी आईक्यू लेवल देखकर शुनजी हैरान था। बारो बोलता है, तुमने मुझे गेम की रूल्स बताकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो शुनजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? ना, मैं हूँ 13 कोड गार्ड स्क्वाड का हेड कैप्टन क्योराको शुनजी। नानो बाकी कैप्टन को बताते हैं कि हेड कैप्टन चाहते हैं कि वो उनके बिना आगे बढ़े, तो वो सब निकल पड़ते हैं। वही शुनजी उस पर वार करने जाता है, लेकिन बारो उसे देख लेता है और वो बोलता है कि मैंने कहा ना तुम अब एक गेम और नहीं खेल सकते। शुनजी देखता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है, तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। मैं हूँ स्टर्न रिटर एक्स। ले ले बारो, मेरी ताकत सब कुछ काट सकती है। मेरे वार से बचने का कोई कॉन्सेप्ट की जगह नहीं है। बारो उसके शेडो पर फायर करता है। शुनजी उसके करीब आ जाता है जिसे उसका गन कट जाता है, लेकिन बारो उसे दोबारा अपनी ऋषि पावर से बना लेता है। लेकिन शुनजी उसे नहीं छोड़ता, वो उसे काट नहीं वाला था, पर बारो बच जाता है। लेकिन वो शुनजी का जाल में फंस जाता है जिसे उसे सिर्फ शुनजी का शेडो ही नजर आता है। बारो अब अपना दूसरी अंग भी खोल लेता है जिसे वो और भी ताकतवर बन जाता है, और वो बताता है कि इस पल दुनिया का कोई भी हथियार मुझे नहीं मार सकता, और वो अपना असली रूप दिखाता है। शुनजी अब उसके वार से बच नहीं पाता, पर वो इतना घायल होने के बाद भी तेज दौड़ पाता है जिसे वो एक सेफ प्लेस में छिप जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन तभी बारो उस पर हमला करता है। फिर शुनजी भी किडो का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम इचिगो को देखते हैं, वो नकला वार से लड़ रहा था। खैर शुनजी भाग भाग के थक गया था और वो वहां पहुंच जाता है जहां से वो एंटर हुए थे, और उसे उम्मीद है कि अब तक सभी दूर चले गए होंगे, और वो बोलता है कि मुझे माफ करना नाना तुम्हें इसमें लाने के लिए। खातें क्यों खुद खरामत सिंजू।
इचिगो समझ जाता है कि स्पिरिचुअल प्रेशर्स क्योरा को शुंजुई का है। शुंजुई अब उसके सामने आता है, उसकी बांकाई में सिर्फ अंधेरा और तन्हाई से भरी है। बारो उस पर वार करता है जिसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो देखता है कि उसका वार उस पर ही रिवर्स हो रहा था, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। शुंजुई अपना बांकाई का पहला एक्ट रिलीज करता है जिसमें दुश्मन पर दिए गांव खुद पर ही असर होता है, पर बदकिस्मती से उन गांव से वो मर नहीं सकता। अब दूसरा एक्ट जिसे दुश्मन को एक बेइलाज बीमारी से जुड़ जाता है। फिर तीसरा एक्ट दुश्मन एक ऐसा समंदर में फंस जाता है जब तक उसका स्पिरिचुअल प्रेशर्स खत्म नहीं हो जाता। बारो वहाँ से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाता। तभी हम शुंजुई की जेनपोक्त का असली रूप को देखते हैं, ओहाना। वो दोनों कुछ देर बात करने लगते हैं। बारो गुस्से से कहता है कि ये मत सोचना किसी मामूली शिनिगामी की बांकाई मुझे मार सकती है। तो शुंजुई अपना फाइनल एक्ट ऑफ वॉर से उसे खत्म करता है। जिसे वो समंदर के गहराइयों में डूब जाता है। शुंजुई भी बहुत ही घायल हो गया था तो उसे ओहाना थाम लेती है और वो खुश थी कि शुंजुई जीत गया। साथ ही उसे डर भी था कि वो मर ना जाए। तभी शुंजुई कुछ कहना चाहता था और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड में जल्द। शुक्रिया। さまよって我を求めてさすろうてよらば離れる手を取って引き手歩むサタの果て。